सांसद के द्वारा दिया गया है, उन सांसद महोदय से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से ले लेना चाहिए। भाजपा ने अपने पीछे वाले दरवाजे में जो हमने सोच रखी है वो धीरे धीरे करके उनके हर एक नेता बाहर निकल जा रहे हैं, उजागर कर रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा शुरू से ही मौलिक रूप से संविधान के खिलाफ रही है, बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा रचे संविधान के खिलाफ रही है। तो आप भोपाल में बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े के बयान का विरोध, एनएसयूआई ने प्रदर्शन कर मांगा इस्तीफा, कहा संविधान बदलना आरएसएस बीजेपी की मंशा। भोपाल में सोमवार को भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया। संगठन कार्यकर्ताओं ने बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के सामने भाजपा सांसद अनंत हेगड़े के संविधान बदलने वाले बयान का विरोध दर्ज कराया और इस्तीफे की मांग की है। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष अक्षय तोमर ने बताया कि जिस प्रकार से सांसद सदस्य जैसे पद पर बैठे व्यक्ति ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को संशोधित करने की बात कही है, वे आरएसएस और भाजपा की मंशा को दर्शाता है। उनकी विचारधारा अंबेडकरवाद की नहीं, हेगड़ेवाद की है। वे समाज की समानता और समरसता को समाप्त करने की ओर अग्रसर है। सांसद के द्वारा दिया गया है, उन सांसद महोदय से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से ले लेना चाहिए। और साथ में जो आपने कपड़े बुलाए ये क्या दर्शाते हैं? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा शुरू से ही मौलिक रूप से संविधान के खिलाफ रही है, बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचे संविधान के खिलाफ रही है। तो आज हमने उस विचारधारा का विरोध किया है और हमने इस देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचे संविधान को बचाने का संकल्प एनएसयूआई द्वारा किया गया है। तो ये कहां कहां पे आपका जो प्रदर्शन है वो कहां कहां पे चल रहा है? अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग भाजपा के जो मंत्री हैं, उसमें भोपाल की कितनी यूनिवर्सिटीज शामिल हैं बरकतुल्ला के अलावा? लोग, ये पूरा एक साप्ताहिक आंदोलन है, पूरा साप्ताहिक हमारा आंदोलन रहेगा। ये जब तक इस्तीफा नहीं मिलता है तब तक ये हम कार्यक्रम अपना चलाते रहेंगे और हम मांग करते रहेंगे कि जल्द से जल्द इस्तीफा उनका उनको इस्तीफा दिया जाए। सांसद को इस प्रकार की टिप्पणी देना ओके नहीं है और कहीं ना कहीं ये हमारा लोकतंत्र ही है और लोकतंत्र की वजह से ही वो इतना मुंह खोल पा रहे हैं। पर अब एक चीज़, एक मंशा समझ में आ रही है भाजपा की पूर्णतः रूप से, कि भाजपा ने अपने पीछे वाले दरवाजे में जो उनने अपनी सोच रखी है वो धीरे धीरे करके उनके हर एक नेता बाहर निकल जा रहे हैं, उजागर कर रहे हैं। प्रदर्शन में एनएसयूआई महासचिव आदित्य सोनी, देव अवस्थी, पीयूष पवार, लक्ष्मण सिंह, योगेश सोनी, अनिमेश गोडली, वंश कनोजिया, विनोद प्रजापति, नानू बेदी, यशराज पटेल, आयुष पांडे, सैयद अल्तमश, शिवम प्रजापति समेत अन्य शामिल थे। कर्नाटक के भाजपा सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने रविवार को कहा, हिंदुओं को फायदा पहुँचाने के लिए संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाया जा सकता है। उत्तर कन्नड़ जिले में एक सार्वजनिक रैली में हेगड़े बोले, अगर यह सब बदलना है तो सिर्फ लोकसभा में बहुमत के वोटों से नहीं होगा, हमें लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में तो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी। तो रिपोर्ट खबरदार न्यूज, अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।